सदर कोतवाली क्षेत्र में 12 अप्रैल को एक महिला की चैन छीन ली गई थी। पल्सर सवार दो अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया था। इसके पहले भी 20 फरवरी को एक महिला के चैन और बाली लूट ली गई थी। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अकरम और फैजान है। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है और दोनों घटनाओं में लूटी गई संपत्ति, इस घटना की 12 तारीख वाली भी घटना की चैन और 20 तारीख वाली घटना की भी चैन और बाली बरामद कर ली गई है। बरामद संपत्ति की कीमत लगभग 1,00,000 रुपए के आसपास है। गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करके जेल रवाना किया जा रहा है। क्योंकि ये गिरोह बनाकर के कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए इनके विरुद्ध शीघ्र ही गिरोहबंद अध्ययन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नहीं नहीं, इसमें जो फैजान नाम का व्यक्ति है वो पहले मुर्गे की दुकान चलाता था, जैसा उसने पूछताछ में बताया कि उसमें उसको घाटा हो गया था, कर्जा हो गया था। और अकरम भी कोई धंधा नहीं था उसके पास, एम्बुलेंस चलाता था, तो इसमें उसके पास भी कोई ऐसा धंधा नहीं था। तो शॉर्टकट अपनाते हुए जल्दी पैसा कमाने की नीयत से इन्होंने चैन स्नेचिंग का काम शुरू कर दिया और अपराध में संलिप्त हो गए। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।